हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर चैप्टर नंबर 3rd एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु है, ठीक है ना। और अभी तक हमने समझा एटम्स के बारे में, ठीक है ना। हमने कुछ लॉस देखे थे, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस तरीके के हमने दो लॉ देखे। पर इन लॉ का सैद्धांतिक प्रूफ डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने इनके बारे में समझा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से हमने समझा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, जिसकी पहले सिर्फ बात की जाती थी, ठीक है ना। ऐसा कोई सैद्धांतिक प्रूफ नहीं था, फिर डाल्टन ने अपने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग था। फिर हमने समझा एटम होते क्या है ना, कितने छोटे एटम है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब हमने देखा। और इन जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उनके प्रतीक क्या है, हमने प्रतीक देखे थे। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रतीक होता है, उसमें हमने कुछ रूल्स देखे कि प्रतीक होने के साथ साथ उनका जो नाम है, नाम और प्रतीक, वो उनके उस जगह पे पाए जाने के कारण हुए। लेकिन आईयूपीएसी, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो कि एक संस्था है जिन्होंने हर एक एलिमेंट का, तत्व का एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हर एक तत्व की ये चीज हो सकती है, ये चीज उन्होंने बताई। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अलग अलग तत्व के अलग अलग प्रतीक देखे, और उसमें रूल देखे कि जो रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा कि हर तत्व का जो प्रतीक होगा उसमें उन के अक्षर में आने वाले जो पहले दो अल्फाबेट है वही आएंगे। किसी में सिंगल भी आएगा, किसी में डबल भी आएगा। पहला वाला प्रतीक हमेशा, पहला वाला जो लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, है ना। ये हमने देखे थे उदाहरण के द्वारा, मैंने आपको कई सारे एलिमेंट दिखाए। आज उसी से आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हमें बात करनी है परमाणु द्रव्यमान की, ठीक है ना। आज किसकी बात करेंगे? परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आज उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। सारे की सिंबल सिंबल हमने देख लिए थे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, है ना। हमने एटॉमिक इसकी बात करेंगे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का क्या होगा, एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होगा। हर एक तत्व का क्या है, कुछ अभिलक्षित परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतना भली भांति समझाने में सामर्थ्य था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की और अग्रसर हुए, ठीक है। अब एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत क्या है, काफी कठिन कार्य है। अगर आप एक सिंगल एटम का मास निकालना जाए तो वो क्या है, काफी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटम क्या है, बहुत छोटा है। हमने बात की थी कि एटम क्या है, तिल के दाने से भी इतना छोटा हो सकता है। तो उस तिल के दाने से छोटा को अगर आप किसी तराजू पे भी नापेंगे तो उसका मास तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उस चीज के लिए बना ही नहीं है, है ना। तो इनके सामने ये एक समस्या उत्पन्न हुई कि किस तरीके से इसका मास निकाला जाए। तो रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया, है ना। ये सब किया गया, समझ आया आपको, ठीक है ना। तो हुई क्या बात, जैसे कि हमारे पास कोई यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। सपोज हम क्या कर लेते हैं, कोई यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण ले लेते हैं, CO का, है ना। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान,
एटॉमिक मास, हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो जैसे एक यौगिक हमने लिया कार्बन मोनोक्साइड CO का उदाहरण लिया, जो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। प्रायोगिक तौर पर हम ये देखते हैं कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोक्साइड निर्मित हुआ। हमने बोला कि भाई कार्बन मोनोक्साइड कैसे कैसे आया, कार्बन मोनोक्साइड किससे बना, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है ना। कार्बन मोनोक्साइड दो चीजों से मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, है ना। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुण अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है ना। समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से हमने ये किया, ठीक है ना। हमने बोला सपोज इसका 3 ग्राम और इसका 4 ग्राम, है ना, इसका 3 ग्राम इसका 4 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन 3 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम, हम बोल सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर रहा है। जो कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन क्या कर रहा है, अपना 4/3 गुणा अधिक वाले ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयुक्त हो रहा है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। हमने क्या किया, जो परमाणु द्रव्यमान है, ये जो परमाणु द्रव्यमान है, इसकी एक इकाई को, है ना, इसकी एक इकाई को हमने कितना माना, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लिया, ठीक है ना। कि भाई परमाणु द्रव्यमान की जो एक इकाई होगी, इस एटॉमिक मास की जो एक इकाई होगी, परमाणु द्रव्यमान की जो एक इकाई होगी, उसको हमने कितना मान लिया, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लिया। कि भाई जो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है ना, जो कार्बन एटम का, जो कार्बन का एटॉमिक मास है, उसके बराबर हमने मान लिया। समझ आ रहा आपको, हमने एटॉमिक मास को, परमाणु द्रव्यमान को क्या माना, एक इकाई को कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर मान लिया। तो कार्बन परमाणु को एक यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। वह कार्बन को कितना देना पड़ेगा, एक बताना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से मान रहे हैं तो कार्बन परमाणु को 1 यूनिट और ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 हमको देना पड़ेगा, है ना। इसको एक माना, इसको 4/3 किया, तो 1. कितना चले जाएगा, ये 3:3 के बराबर चले जाएगा। तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा लिखा करते थे। जो परमाणु द्रव्यमान है उसको क्या लिखते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को हम इस यूनिट से दर्शाते थे, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट से क्या करते थे, एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या करते थे, एटॉमिक मास यूनिट से हम दर्शाते थे, क्या करते थे, एटॉमिक मास यूनिट से हम दर्शाते थे। लेकिन आजकल IUPAC के अनुसार इसको यू से बताते हैं। यू किससे, यू, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का क्या मतलब है, यूनिफाइड मास, ठीक है ना। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यू से दर्शाएंगे अभी, है ना, यू से दर्शाएंगे। जैसे कि हमने बोला अभी कार्बन का क्या है, एक यू है, ऑक्सीजन का क्या है, 1.33 यू है ना। हमने माना कि भाई कार्बन का 1 यू और इसका 1.33 यू, इस तरीके से हमने दर्शाया। पर द्रव्यमान की इकाई को हम क्या करते हैं, हमेशा पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में ज्यादातर हम रखते हैं, ताकि हमें आगे जा के क्या हो, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, जनरली हम क्या करते हैं उसको हम होल नंबर्स में रखेंगे, पॉइंट में उसको कमी रखते हैं। तो आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए कि भाई परमाणु की भिन्न भिन्न इकाई हो सकती है। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाई को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया भाई, प्रारंभ में जो प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु है ना, परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाई को इकाई के रूप में लिया, है ना। इन्होंने क्या किया, जो नेच, क्योंकि प्रकृति में क्या है, जब अलग अलग उन्होंने बात की कि जो परमाणु है, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा भाई परमाणु की अलग अलग इकाई हो सकती है, परमाणु की क्या हो सकती है, अलग अलग इकाई को उन्होंने क्या किया, ढूंढने का प्रयास किया। भिन्न भिन्न इकाई को क्या किया, वो ढूंढ भिन्न भिन्न इकाई वो ढूंढते चले गए, है
है ना, भिन्न भिन्न इकाई के बारे में उन्होंने क्या किया भाई, भिन्न भिन्न इकाई हो सकती है, क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न इकाई हो सकती है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो नेचुरल ऑक्सीजन परमाणु है भाई, ऑक्सीजन क्या मिलता है हमारा नेचर, नेचुरल है, नेचुरल ऑक्सीजन का जो एटम है, नेचुरल ऑक्सीजन एटम, नेचुरल ऑक्सीजन एटम ठीक है ना, के 1/16 भाग को इकाई के रूप में ले लें, इसके किसको 1/16 भाग को, 1/16 भाग को क्या ले लिया, इकाई के रूप में, आए बात समझ में, को क्या किया, 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया, ऑक्सीजन के एक एटम के मास को 1/ उसके 16, 1/16 भाग को इकाई के रूप में क्या किया, इकाई के रूप में उसको लिया, आए बात समझ में। दो रीजन थे उसके, पहला ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, जो ऑक्सीजन है ये ना बहुत सारे के साथ मिलके क्या बना सकता है, यौगिक बना सकता है, ऑक्सीजन की क्या वो है खासियत क्या है कि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता, रिएक्ट करता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, मैनी जो एलिमेंट होता है, मैनी एलिमेंट्स उनके साथ क्या कर सकता है, मैनी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और मैनी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो पहला कारण ऑक्सीजन को लेने का, ऑक्सीजन को लेने का पहला कारण ये था कि ये क्या करता है, मैनी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। दूसरा कारण है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा, मतलब जब आप इसको इकाई लोगे तो अधिकतर जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मास है वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके होल नंबर में, दूसरा रीजन ये था है ना। लेकिन 1996 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया है ना। लेकिन हुआ क्या कि 1961 में, 1961 में बोला कि जो C12 आइसोटोप है, C12 आइसोटोप है ना, आइसोटोप जो C12 आइसोटोप है इसको क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया भाई, इसको इसको क्या करेंगे, इसको मानक, इसको क्या करेंगे, इसको इकाई के रूप में लेंगे, कार्बन 12 को क्या करेंगे, मानक इकाई के रूप में हम लेंगे, कार्बन 12 को क्या करेंगे, मानक इकाई के रूप में लिया गया। और बोला गया कि भाई कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में भाग में ले लेते हैं, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12, कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग, कार्बन 12 का एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु द्रव्यमान ठीक है ना, कार्बन 12 का एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग, के 1/12 भाग, 1/12 भाग को क्या किया, इकाई के रूप में लिया गया, इकाई के रूप में इसको लिया, इकाई के रूप में लिया ठीक है ना, आई बात समझ में, इसको क्या किया, इकाई के रूप में इस तरीके से लिया, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा, मानक परमाणु द्रव्यमान को इकाई के रूप में लिया। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है कि एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए है ना, और इसके रिलेटेड क्या क्या अलग अलग तरीके के परमाणु द्रव्यमान निकाले गए है ना, समझदारी बात, जैसे कि, जैसे कि आप अभी आप किसी चीज को नापना है, जैसे आपके घर में कोई दीवार है या कोई कॉपी है उसमें आपको चीज नापनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्केल का, जो स्केल होता है ना, स्केल का निर्माण हुआ, अब स्केल का निर्माण कैसे हुआ भाई, स्केल में आपको पता है 1 सेंटीमीटर 2 3 इस तरीके से होता है, हुआ क्या कि इस लैब में एक ऐसा कुछ चीज पड़ी थी, उसको मान लिया कि वह मानक स्केल है, और इससे मानक स्केल मान लिया और इससे फिर अलग अलग चीजें नापी गई, इसी तरीके से हुआ क्या कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग का कैसे आया, अलग अलग का कैसे आने के लिए सबसे पहले हमने जनरलाइज किया कि कार्बन 12 का, कार्बन 12 आइसोटोप ले लिया, उसके एक परमाणु द्रव्यमान का जो 1/12 भाग होगा उसको इकाई के रूप में ले लिया है
ना 1/12 भाग को इकाई के रूप में ले लिया, और फिर उससे हर तरीके के एटॉमिक मास हमने निकाले गए, ठीक है ना, उस तरीके से हमने निकाले गए। दूसरी बात क्या थी कि भाई कल्पना ऐसे आप ले सकते हैं कि जैसे कोई फल विक्रेता है ना, फल विक्रेता के पास क्या है, बिना मानक के वो फल बेच रहा है, फल विक्रेता है, और उसके पास कोई तराजू में जो बाट होता है ना वो है नहीं, और उसको फल बेचने हैं, है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक तरबूज लिया और तरबूज का बोला कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। एक फल विक्रेता है, एक फ्रूट सेलर है ना, फ्रूट सेलर, कोई फ्रूट सेलर है, इसको फल बेचने, और इसके पास कोई वेट नहीं है, नो वेट, है ना, कोई इसके पास वेट नहीं है, वो जो बाट वगैरह होता है ना कोई नहीं। इसने क्या किया, इसने एक तरबूज लिया, क्या किया, तरबूज, ठीक है ना, इसने क्या किया, एक तरबूज लिया, बाट में एक तरफ क्या करा, बाट में एक तरफ तरबूज रखा और बोला कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई, बोला इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 इकाई। तरबूज लेके बोल दिया कि इसका द्रव्यमान कितना है, 12 इकाई, इसका क्या है, 12 इकाई इसका द्रव्यमान मान लिया। तो 12 तरबूज इकाई मतलब 12 फल द्रव्यमान इकाई, तो तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है, क्या करा, इस तरबूज के क्या करे, 12 बराबर टुकड़े करे, क्या करे, 12 इसके पीस करे, 12 पीसेस करे इसके, है ना, तरबूज के क्या करे, 12 पीस करे, 12 पीसेस करे, तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है। और इसने देखा पाया उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सम्पेक्ष है। और जब ये फल बेचने लगा, जो फ्रूट सेलर है, जब फ्रूट सेलर फल बेचने लगा, तो इसने बोला कि जो प्रत्येक फल का द्रव्यमान है, हर फल का जो द्रव्यमान होगा, एक फल का, क्या बोला फ्रूट सेलर ने, एक फल का जो द्रव्यमान है, जो एक फल का द्रव्यमान है वो तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर है, क्या है, तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर, तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर, एक टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर होगा, जो तरबूज का एक टुकड़ा है उसके द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना, तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है बच्चों, इस तरीके से हुआ क्या, तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान निकाले गए। जैसे कि हम कुछ तत्व लेते हैं, ये हमारे पास कुछ तत्व है यानी एलिमेंट है, ये कुछ तत्व है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ तत्व एलिमेंट है, और ये परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ये है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्य। हमने बोला जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को एच से बताते हैं, कार्बन है हमारे पास सी, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना, हमारे पास सोडियम है, और क्या है, मैग्नीशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास, और हमारे पास जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का कितना, 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना आया, 16, सोडियम का आया 23, है ना, मैग्नीशियम का आया 24, सल्फर का आया हमारे पास 32, और क्लोरीन का आया 35.5, क्लोरीन का कितना आया, 35.5। तो ये कुछ तत्व थे, ये कुछ आपके तत्व थे एलिमेंट, है ना, और उनका परमाणु द्रव्यमान यानी उनका एटॉमिक मास। तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको इस तरीके से बताया कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, जो परमाणु है उनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्या है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार, जो परमाणु है वो किस प्रकार किसमें रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, कि परमाणु का अस्तित्व कैसा है, जो परमाणु है उनका अस्तित्व कैसा है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में
रहते हैं, ठीक है ना। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो ये बात आई सामने कि जो ज्यादातर जो एटम्स हैं, ज्यादातर तत्वों के परमाणु हैं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं। जो परमाणु होते हैं ना वो क्या करते हैं, अणु और आयन बनाते हैं। परमाणु क्या करते हैं, अणु और आयन बनाते हैं। मैंने आपको बात की कि ज्यादातर तत्वों के एलिमेंट्स के जो परमाणु होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता उनका। बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स का बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स का ज्यादा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, ज्यादातर एग्जिस्टेंस उनका इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता उनका, है ना। ये परमाणु क्या करते हैं, ये परमाणु अणु बनाते हैं, आयन बनाते हैं, अणु और आयन बनाते हैं। अणु और आयन अत्यधिक संख्या में पूर्जित होकर द्रव्य बनाते हैं, है ना, द्रव्य बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई छू के देखे हमने कुछ किया, तो अगर हम बोले कि हमारे पास सोडियम है, उसका एक मतलब कोई भी ले ले, एक परमाणु अस्तित्व में नहीं रह सकता। एक परमाणु क्या हो सकता है, अस्तित्व में नहीं रह सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो एटम्स, बहुत सारे एटम जब कंबाइन होके तो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं या आयन ये चीज बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी इनके बारे में। तो परमाणु, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं हो सकता, एक परमाणु को आप आंखों द्वारा क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो कितना है, बहुत छोटा होता है। एक परमाणु को हम आंखों द्वारा इसलिए नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज, क्योंकि इट इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, इस कारण हम इसको देख नहीं सकते, है ना, इस तरीके से। और परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम कैसे परिभाषित करेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि आपका कार्बन-12 आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12, कितना, 1/12, 1/12 भाग को क्या किया, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया, और उसके द्वारा हमने सभी तत्व जो वो है उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान हमने निकाले। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया होगा कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है ना। ये थी सारी परमाणु की कहानी अभी तक, है ना। परमाणु की कहानी ऐसे होती है, फिर आपको आगे इसमें क्या करना है, अणु के बारे में पढ़ना है, अणु अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आने के बाद फिर हमने रासायनिक सूत्र लिखना है। आप बहुत सारे रासायनिक सूत्र देखते हैं अपने, कि ये सारे के सारे रासायनिक सूत्र हैं क्या, और किस तरीके से इन रासायनिक सूत्रों को लिखा जाता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अणु के बारे में, यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए। अणु और यौगिक के बारे में अगर आपको पता है तो आप रासायनिक सूत्र क्या कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हम अगले भाग में करेंगे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा आज परमाणु द्रव्यमान, है ना, कि परमाणु द्रव्यमान के पीछे क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान आपको हमारे सामने आया है ना, कि अलग अलग तत्व का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान हो सकता है, किस तरीके से आया। मेरे ख्याल से आप इतना, आप अगर घर में जाके इसको और अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको और बेहतर से आ सकता है ना। हमको कभी भी कैलकुलेट करना नहीं आएगा परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि वो पहले से हमारे पास कैलकुलेटेड है, बस हमको बताया गया कि किस तरीके से वो निकाला गया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।